हुआ है, एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला हुआ है, पुलिस चौकी पर आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकियों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग करते हुए आतंकी भागे भी हैं। दो पुलिस वाले और एक स्थानीय नागरिक घायल हुआ है जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल मेरे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, कितनी संख्या में आतंकी हैं, इनकी पोजीशन क्या है और इंडियन फोर्सेज ने अपनी पोजीशनिंग कैसी रखी है? राजीव, सूचना के अनुसार दो से तीन आतंकी जो है इस जमुनागिरी जो पुलिस पोस्ट है उस इलाके में आए हैं, शोपियां में जो पड़ता है, और वहां पर आकर उन्होंने जो है फायरिंग की है, जिसमें दो पुलिसकर्मी और एक सिविलियन के जख्मी होने की खबर है। फायरिंग करके जैसे पहले भी हमने कई बार देखा है कि जो आतंकी है उनकी एक नई स्ट्रेटेजी है, हिट एंड डिस्ट्रॉय वाली जो स्ट्रेटेजी, उसी के तहत उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद वहां से भाग निकले हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद अन्य जो अधिक सुरक्षा बल है वहां तैनात किए गए हैं, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया है और जारी किया गया है, मगर अभी उन आतंकियों को जो है धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है, अभी इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। मगर ये लगातार अगर हम देखें उरी हमले के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद से लगातार जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाने की कवायद जो है आतंकियों की तरफ से जारी है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि उरी हमले के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब से डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर लगातार पाकिस्तानी आतंकियों का हमला जारी है। हम